द्रौपदी मैया ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और दोनों हाथ ऊपर करके बोली, देखो अब जो भी है आपके हाथ में ही है, साड़ी में पकड़ूंगी नहीं, अगर इज्जत अपनी प्यारी है तो आ जाओ और बचा लो, मैं थक चुकी हूं, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। कृष्ण विलाप किया, तो कहते हैं संत भागे हैं, गरुड़ सवारी त्याग दी, खड़ाऊ छोड़ दी, नंगे पायन धाए मुरारी, लीला सब दिखलाए डाली और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरत बढ़ाई डाली। जब साड़ी बढ़ाई है तो आज वही समय पे समझ गए पांडव कि आज फिर मेरे कृष्ण ने आकर के मेरे परिवार की रक्षा की है। इस प्रकार से महाभारत का युद्ध बढ़ा। महाराज कहते हैं एक समय की बात है, जब सब कर्म करके हार गया दुर्योधन, एकांत में बैठा हुआ कर्ण से बोला कि भैया कर्ण, दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं कौरव और वाल भी बाका नहीं हो रहा है पांडवों का, ऐसा भगवान का हाथ है, कोई जतन है तो बताओ क्या करें। तो जवाब दिया है कर्ण ने कि भैया दुर्योधन, अगर आपने हमसे आज कोई बात कही है तो मैंने आपका अगर नमक खाया है तो मैं आपसे आज वादा करता हूं कि कल के युद्ध में अगर मैंने अर्जुन को न मारा तो हमसे भी कर्ण कौन कहे। कल मैं युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। जो ये बात दुर्योधन ने सुनी, महाराज जब अर्जुन को मारने की बात आई तो विचार किया कि एक भाई भाई को मार देगा तो इससे अच्छा हमारे लिए और क्या बात हो सकती है, बड़ा प्रसन्न है।